आज तेलंगाना मुस्लिम यूनिवर्सिटीपुरम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हम यौम सुकूत हैदराबाद जिसको गलत अंदाज में पेश करते हुए लिबरेशन डे मनाने की बात कही जा रही है। इस सिलसिले में हम उस दौर में जिस हुक्मरान हमारे गुजरे हैं नवाब मीर उस्मान अली आसिफजा बहादुर की मज़ार पर आज चादर पेश की है। यहाँ पर आने का मकसद हमारा एक ही है कि 17 सितंबर के नाम पर चंद शरपसंद अनासर में हज़ारों की तादाद में मासूम इस रियासत की आवाम के कत्लोआम किया और गारतगिरी की है। उन शहीदान हैदराबाद के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा मकसद एक ही है, हम यहाँ से तमाम हमारी रियासत की तमाम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये कोई अलग कंट्री नहीं था, ये हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। इसीलिए इसको निज़ाम स्टेट कहा जाता था, तो कोई निज़ाम कंट्री या निज़ाम का कोई ममालिक नहीं कहा जाता था। और हमारी इस रियासत के जो हुक्मरान गुजरे हैं, जबकि ये हिंदुस्तान में जम होने से पहले भी कई बार इंडियन आर्मी को भी बड़े पैमाने पर इमदाद जारी की है, ऐसी इमदाद जो हिंदुस्तान को एक नई क़ुव्वत और नई ज़िंदगी दी है। और यही नहीं बल्कि यहाँ से मक्के मुकर्रमा को भी, यहाँ इस रियासत से मक्के मुकर्रमा को भी सप्लाई यानी इमदाद के तौर पर दिया गया, क्योंकि ये रियासत के हुक्मरान कई ऐसे लोग इनको गैर गलत कहते हैं। और मैं भाई उनको ये पयाम देना चाहता हूँ, वो एक सेकुलर हुक्मरान थे जिसकी वजह से वो खुद यहाँ के हुक्मरान होते हुए अपनी रियासत के वज़ीर आज़म के तौर पर एक गैर मुस्लिम को रखा था, महाराजा किशन प्रसाद को रखा था। और यहाँ तक कि राज प्रमुख का एक खिताब उन्होंने गवर्नर का रोल के बराबर किसी गैर मुस्लिम को देने के लिए भी उन्होंने ऐलान किया था। अगर वो सेकुलर ना होते तो अपने साथ उनको नहीं रखते, इसीलिए वो सेकुलर हुक्मरान थे जिनकी वजह से आज आप देखिए इस रियासत में तेलंगाना रियासत को छोड़कर दूसरे भी जहां पर हैदराबाद रियासत को दूसरे स्टेट में भी तोड़कर शामिल किया गया, उस रियासत में भी आज जितने बड़ी इंडस्ट्रियां दिख रही है, निज़ाम शुगर फैक्ट्री हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो या बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो,
या और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक का यानी मैन्युफैक्चरिंग हो, ये तमाम चीज़ें उसी दौर में उसी रियासत में हैदराबाद की रियासत में तरक्की में आए और रेडीमेड तौर पर हिंदुस्तान को ये रियासत मिली। और ये रियासत आज सिर्फ इंजमाम वाला दिन है, स्पोर्ट वाला दिन है, कोई लिबरेशन डे नहीं। हम लिबरेशन डे मनाने वालों पर सख्त तनकीद करते हैं और हमारी रियासत के वजीर आला अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब और हमारे नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली साहब और कविता मैडम का भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे हैदराबाद रियासत के हुक्मरानों को अच्छे अंदाज में पेश किया, एक सेकुलर अंदाज में पेश किया और उन्होंने उनकी हुकूमत में तेलंगाना ये नई रियासत वाली हुकूमत के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको लिबरेशन डे मनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि इसका ताल्लुक कोई लिबरेशन डे से नहीं। हम उन दूसरे हमारे भाइयों से ये अपील करते हैं कि हमारी आज़ादी वाला दिन 15 अगस्त है और अगर तेलंगाना की अलहदा रियासत की अलहदगी का मसला है तो वो 2 जून को हुआ है। मैं तमाम मेरे ब्रदरान वतन से इस बात की अपील करता हूँ कि दूसरों को ठेस पहुँचाकर अपन खुशी मनाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने कभी किसी को ठेस नहीं पहुँचाई। हम यहाँ से यही अमन का पैगाम देते हैं और उनसे अपील करते हैं आप तमाम लोग हमारे साथ हमारी रियासत के वजीर आला के साथ शामिल होते हुए इस रियासत को खुशहाल रियासत बनाने में और एक सुनहरे तेलंगाना बनाने में शामिल हो जाए। Thank you.